बहुत सारे डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस ओनर सोशल मीडिया पे ग्रोथ कैसे करना है मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। उनको बहुत लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी डेवलप करे सो दैट मेरा सोशल मीडिया ग्रो। वो क्या करते हैं, एक दो वीडियो बनाते हैं, एक दो पोस्ट बनाते हैं और उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो बंद कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। ये फॉर्मूला है 70-20-10 फॉर्मूला। क्या ये 70-10-20-10 फॉर्मूला? 70% आपको जब आप 10 कंटेंट बना रहे हो, 10 कंटेंट या फिर 100 कंटेंट बना रहे हो, तो 70% कंटेंट होने चाहिए हेल्पफुल कंटेंट। हेल्पफुल कंटेंट क्या मतलब हेल्पफुल कंटेंट का, कि ऐसा कंटेंट कि आप लोगों को पता नहीं है और लोग जानना चाहते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो सबको पता नहीं है। हेल्पिंग कंटेंट, हेल्पिंग करो, हेल्प करो लोगों को आपके कंटेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो तो रियल एस्टेट में क्यों बाय करना चाहिए कोई भी फ्लैट, आप ये फ्लैट मत बाय करना जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होती। आपको फाइनेंस के लिए इन कंपनी से मत करना, ये कंपनी से करना। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर करा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे चूज करना है राइट फ्लैट। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के ट्रिक्स, टिप्स, कुछ केस स्टडीज, ये कुछ फॉर्मूले जो कि अननोन फैक्ट्स, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूँ, अच्छा कुछ करता रहूँ, लोगों को हेल्प करता रहूँ, लोगों को हेल्प करता रहूँ, तो क्या होगा, क्या होगा? भले लोग कमेंट लाइक शेयर नहीं करेंगे, लेकिन लोग होते हैं ना, जो जेनुइन वाले लोग होते हैं, 10 में से 2 लोग होते हैं जेनुइन, वो आपका वीडियो शेयर जरूर करते हैं। हमारा भी लोग शेयर करते हैं, जेनुइन लोग सच में करते हैं। तो ऑब्वियसली जरूरी है कि आपको समझना कि 70% लोग क्या करते हैं ना, 70% मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा। अरे नहीं भैया, पहले हेल्प तो करो, हेल्प तो करो। विवेक बिंद्रा, बड़े बड़े आप, मैं क्रिएटर बताता हूँ, विवेक बिंद्रा पहले हेल्प किया उन्होंने, लोगों को यूट्यूब पे नॉलेज दिया, लोगों को जितना ज्यादा बिजनेस का नॉलेज दिया उसके बाद उसका ट्रस्ट बढ़ गया, इतने 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे। बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, एंटरटेन तो करो, पैसे बाद में कमाएंगे ना, पहले एंटरटेन तो करो लोगों को। एंटरटेन ही नहीं करना चाहते आप, पहले पैसे कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों के गोल्स को समझो, लोगों के एस्पिरेशन को समझो, लोगों के डिमांड्स को समझो, लोगों के गोल्स को समझो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। 70% ले, 20% क्या हो फिर, 20% है ट्रेंड का यूज करो। आपके वीडियोस, आपका कंटेंट ट्रेंड के हिसाब से बनाओ। तौबा 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 करो ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना तौबा तौबा में। अरे कुछ तो बनाओ ना, आपके बिजनेस के बारे में तो बनाओ कुछ। गुलाबी साड़ी, अरे बहुत लोग रोज रोज ट्रेंड होता है, कुछ ना कुछ ट्रेंड हो रहा है, आज भी कुछ ट्रेंड हो रहा है, तो वो ट्रेंड का कैसे यूज कर सकते हैं आपके पोस्ट के लिए, आपके वीडियो के लिए, उसके बारे में सोचो। क्योंकि ट्रेंड नहीं करेंगे, ट्रेंडिंग का यूज बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए आपने, तो ट्रेंड का यूज करना ही है। 20% ट्रेंड का यूज करिए और वो पोस्ट को क्रिएट करने की कोशिश। अभी बोलोगे सर कैसे यूज करो, अरे यही तो नहीं करते ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, शूट नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते, समझ में आया? 70% हेल्पिंग कंटेंट, 20% ट्रेंड कंटेंट, 10% प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट का मतलब क्या, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बिंदास बात करिए, आप जो सेल करने जाते हैं उसके बारे में बात करिए, आपके रिव्यूज के बारे में बात करिए, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी बढ़ाने के लिए उल्टा हो रहा है। सब क्या हो रहा है, मार्केटिंग मार्केटिंग, मेरा प्रोडक्ट मेरा सर्विस। अरे बाद में आपका प्रोडक्ट आता है, 10% ही। जैसे आप 10 कंटेंट बना रहे हो, एक ही कंटेंट आपका होना चाहिए, बाकी भी 2 कंटेंट होने चाहिए ट्रेंडिंग में और 7 कंटेंट होने चाहिए हेल्पफुल में। आप ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो। और प्रो टिप्स दे रहा हूं, प्रो टिप्स, वीडियो कंटेंट ज्यादा बनाइए। वीडियो कंटेंट, लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, स्क्रॉल हो जाता है ना, तो अरे वीडियो का भी अटेंशन स्पैन कम होता रहा है, तो इमेज का कितना होगा, इमेज का तो ऐसे ही निकल जा रही है। वीडियो तो भी कुछ तो भी रुक सकते हैं, लेकिन इमेज में तो कुछ भी नहीं रुकेगा। तो 70-20-10 फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करिए आपके ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी में और देखिए कितना कमाल होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो आप, कमेंट करिए। कुछ तो कमेंट करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, शेयर करना भी जरूरी है। देखो लाइक कमेंट शेयर करने से क्या होता है ना, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो थोड़ा मोटिवेट करते जाइए हमें भी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।